सो गाइस वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दोस्तों आज बात करने यार आज बात करने जा रहे हैं भैया, क्या अभी जो आप हमारी न्यूज सर्कुलेट हो रही है जेई मेंस के दो अटेम्प्ट वाली, क्या वो फेक है? क्या उसको हम मान सकते हैं कि वो फेक है, या फिर भैया उसको हम रियल मान के उसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं अपनी जेई मेंस की? तो यार आपको मैं सब बता रहा हूँ, इसके बाद आपको कोई भी ये दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट चार अटेम्प्ट वाली वीडियो देखनी नहीं है, क्लियर माइंड सेट में आ जाओगे यार। तो सबसे पहले मान लेते हैं भाई कि वाई अगर ये रियल है तो ये रियल क्यों है, ठीक है? वाई रियल, ये रियल क्यों है कि आपके दो अटेम्प्ट हो रहे हैं? पहला यार सबसे पहले तो मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी न्यूज आई थी कि दो अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो उसका जो एक है ट्रस्टेड सोर्स है वो यार काफी ट्रस्टेड, काफी रेपुटेड ट्रस्टेड सोर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसका आप मान सकते हैं कि काफी हद तक ये एक कंफर्म न्यूज है कि आपके दो अटेम्प्ट हो रहे, ठीक है? सबसे पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा यार आता है कि डिले ऑलरेडी बहुत हो चुका है यार, डिले ऑलरेडी बहुत हो चुका है, अब तक एक भी अटेम्प्ट आपका हुआ नहीं है आपके पास। अब अगर मैं मान के चलूं अप्रैल का महीना 30 दिन का, ठीक है, मार्च का महीना 30 दिन का, 10 दिन अभी फरवरी में भी बचे हैं, तो सिर्फ आपके पास 70 दिन है। 70 दिन में यार, 70 दिन में अगर आप चार अटेम्प्ट कराना चाहते हो तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा यार? बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा चार अटेम्प्ट कराना, सिर्फ और सिर्फ 15-15-20-20 दिन के स्पैन में आपको कराने होंगे पेपर, ठीक है? 15-15-20-20 दिन के स्पैन में आपको पेपर कराने होंगे, तो वो तो यार बहुत ही इलॉजिकल सी बात हो जाती है, तो उसको तो आप भूल ही जाइए। ये तो यार थोड़ा इम्पॉसिबल है कि चार अटेम्प्ट, हाँ तीन अटेम्प्ट एक बार को हो सकता है करा दे, ठीक है, तीन अटेम्प्ट एक बार को हो सकता है करा सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी दो अटेम्प्ट की बहुत ज्यादा है। दोनों फैक्टर बता दिए, एक तो डिले आपका हो रहा है, ठीक है, एक तो डिले इतना हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद आपको काउंसलिंग भी करानी होती है, ठीक है, काउंसलिंग भी करानी होती है, ठीक है, उसके बाद आपको जेई एडवांस भी देना होता है। काउंसलिंग में कम से कम 3 महीने, दो महीने तो आराम से लगते हैं, आराम से बहुत ही इजीली लगते हैं, 1 महीना सी सब राउंड के लिए जाता है, तो ओवरऑल काउंसलिंग में देखे 3 महीने लग जाते हैं। जेई एडवांस का कम से कम आपको 2 महीने देंगे, 2 महीने देने चाहिए सेकंड अटेम्प्ट के बाद, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट के बाद, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचे हैं, ठीक है, डेज लेफ्ट कितने हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचे हैं। इन सबको अगर मैं फैक्टर ध्यान में रखूं तो मेरे ख्याल से सेकंड अटेम्प्ट काफी हद तक पॉसिबल है, दो अटेम्प्ट काफी हद तक पॉसिबल है आपके, जो आपके अटेम्प्ट है वो टू अटेम्प्ट पॉसिबल काफी हद तक लग रहे हैं, ठीक है, काफी हद तक दो अटेम्प्ट आपके पॉसिबल लग रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई। उसके पहले हम यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं जो आपका अनअकैडमी है यार, अभी उस पर ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी स्टड 10 हमारा जो कोड, ठीक है, स्टड 10 जो हमारा कोड है, अगर आप अभी यूज करते हो तो आपको 40% ऑफर मिल रहा है यार, 40% ऑफ बहुत ही कम होता है, तो अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में जाना चाह रहे हो तो 6 मंथ वाला ले सकते हो, अगर आप अभी 12th में हो अपना क्रैश कोर्स वगैरह से पढ़ने चाहते हो, क्रैश कोर्स में बहुत ही शानदार टीचर्स ऑलरेडी है वहाँ पे, क्रैश कोर्स चल रहे हैं, और ये ऑफर यार सिर्फ और सिर्फ 19 फरवरी यानी कि आज रात 12 बजे तक वैलिड है, 40% ऑफ मिल रहा है, तो यार बिल्कुल जा सकते हो। प्रमोशन असाइड भी बताऊं मैं, बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि अनअकैडमी में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, मैं खुद वहां पढ़ाता हूं, तो 40% अगर वहां पे ऑफ चल रहा है तो बिल्कुल जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, स्टडी 10 कोड यूज करो, 40% ऑफ मिल रहा है, मजे आ जाएंगे भाई, 30,000 से 19,000 का प्राइस आपका रह जा रहा है, इधर तो और भी कम हो जा रहा है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगर अभी आप लेते तो आपका 19 फरवरी से दो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप 23 के एस्पायरेंट हो यानी कि क्लास 11th के हो, या फिर 24 के एस्पायरेंट हो जो 24 को टारगेट कर रहा है, ठीक है, जो 10th मूविंग जो 11th में आ रहे हैं उनके लिए अर्ली इमर्ज बैच है, और जो 11th वाले उनके लिए अर्ली इवॉल्व बैच है, तो भाई इनमें तो टीचर के लेवल देखो, नमो कॉल सर, पीयूष सर, शरद सर, ब्रजेश जिंदल सर, भाई अंशुल सर, पंकज सर, बहुत ही शानदार टीचर है। इधर आप 24 की बात करो तो ओम शर्मा सर भाई लेजेंड, एम के सर लेजेंड, भाई ये सारे ही बहुत ही शानदार टीचर है, सबका मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन तुम जानते होगे, ठीक है, ये तुम्हारे उसमें फीचर्स आ रहे होंगे। और मैं बता के चलूं, अगर तुम्हें 40% ऑफ मिल रहा है तो अभी 6 महीने वाला ले लो, तुम्हारा काफी ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि जो 30,000 का प्राइस है, ठीक है, वैसे तो 10% ऑफ ही मिलता है अगर किसी का आप कोड यूज करते हो, लेकिन स्टडी 10 यूज करोगे तो 40% ऑफ का इस टाइम ऑफर चल रहा है, और कुछ हम आपको एक्स्ट्रा भी दे देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा हमारी तरफ से आप प्राइस ले सकते हैं अगर आप स्टडी 10 यूज करेंगे, टेलीग्राम पे डीएम कर देना, कुछ एक्स्ट्रा आपको हम दे रहे होंगे, ठीक है, ये तो दोनों बात हो गई आपकी इसकी। हाँ यार, और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता दूँ, प्लस सब्सक्रिप्शन आपका होता है, इसमें आपको वेरियस चीजें मिलती है, मैं लाइव मैं अकेडमी में पढ़ाता हूँ तो आपको पता होगा कितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट। एजुकेटर सबसे पहले तो बहुत शानदार होते हैं, लाइव क्लासेस बहुत अट्रैक्टिव होती है, क्वेश्चन मिलते हैं, डीपीपीज वगैरह मिलते हैं यार, एक बात आइकॉनिक की भी कर लेते हैं, जो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो होता है प्लस, तो उसमें होता है, ठीक है, बाकी ये तीन चीजें एक्स्ट्रा होती है अकेडमी जो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, फिजिकल नोट्स आपके, लाइव मेंटरिंग सेशन और लाइव डाउट सॉल्विंग, ये तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलनी होती है अगर आप प्लस से बढ़कर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और फिर से आपको बता दूं, स्टडी 10 कोड यूज करोगे, स्टडी 10 अगर कोड यूज करो STUD10, ठीक है, तो आपको 40% ऑफ मिल रहा है, और ये सिर्फ 19 फरवरी की रात 11:59 तक ही वैलिड है, यानी कि आज 19 फरवरी है तो आज 12 बजे से पहले कर लोगे भाई 40% ऑफ मिल जाएगा, फिर मत कहना भैया आपने बताया नहीं, और काफी अच्छा ऑफर है। बाकी एक्स्ट्रा हम आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा फीचर या फिर ऑफर, आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हमारा कोड स्टड 10 यूज करोगे तो। और प्रमोशन असाइड बोलूं तो यार ले लो, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं लेना तो ले लो, प्रमोशन असाइड बोलूं क्योंकि काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और 40% ऑफ मिल रहा है तो वर्थ इट हो जाता है वो, ठीक है। चलो ये बात हो गई अनअकैडमी की, अब कंक्लूजन ले लेते हैं, क्या हमको करना क्या चाहिए भैया, कंक्लूजन देके चले जाओ, वीडियो तो आपने बना दी, समझा भी दिया, कंक्लूजन ये है कि भैया दो अटेम्प्ट तो काफी ज्यादा पॉसिबल लग रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट तो दो काफी ज्यादा पॉसिबल लग रहे हैं, ये तो हमारा कंक्लूजन आ गया, इनकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, फिर भी अभी कंफर्म नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते,
लेकिन 90% काफी हद तक पॉसिबल है कि आपके दो अटेम्प्ट हो जाएं। ठीक है, दूसरा हमारा भैया क्या कंक्लूजन आएगा, हमारा कंक्लूजन नंबर वन हो गया। दूसरा कंक्लूजन हम रेड पेन से लिख देते हैं। दूसरा कंक्लूजन आएगा भैया हमें भाड़ में जाए, हमारा भाड़ में जाए एनटीए, भाड़ में जाए हमारा एनटीए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो कभी भी पेपर कराया दिसंबर में कराया, ठीक है नवंबर में कराया, ठीक है हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो भैया 25 मार्च तक सिलेबस अपना कंप्लीट करके बैठ जाएंगे, 25 मार्च तक डेडलाइन बना लेंगे, उसके बाद हमें फर्क ही नहीं पड़ता 4 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 10 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 20 अटेम्प्ट हो रहे हैं, एक भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, 25 मार्च को अपनी डेडलाइन बना लो और वहां तक अपना सिलेबस पूरा कर लो जितना हो पा रहा है, उसके बाद तुम्हें पता ही लग जाएगी 25 मार्च आते आते तुम्हें डेट पता ही लग जाएगी ऑलमोस्ट कंफर्म, तुम उसके बाद प्लान कर सकते हो कि भैया मुझे 25 मार्च के बाद कितने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है मॉक टेस्ट कितने देने हैं ठीक है 25 मार्च के बाद, ठीक है 25 मार्च के बाद तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं, ये तुम्हारा सिंपल तरीका होना चाहिए। 25 से लेकर 20 मार्च अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, तुम्हें पढ़ी ही नहीं है कि एनटीए तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि मतलब कितना डेट उठ दे रहा है, वैसे बहुत ही गलत चीज है, बच्चों को डिलेमा में इतना रखना नहीं चाहिए यार किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को, क्योंकि 1,000,000 बच्चे हैं, छोटा मोटा एग्जाम भी नहीं होता है, उनको परेशान करना अब तो इतना कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन भी नहीं है, कोविड का सीन काफी कम हो गया है, कॉलेजेस खुल गए हैं, एनसी क्लास तक की चीजें खुल गई हैं तब भी यार कोई की तरफ से क्राइटेरिया कोई भी किसी तक ये भी तक नहीं बता रहे पैटर्न क्या है पेपर का, कोर्स तक नहीं बता रहे हैं, तो यार ये बहुत ही गलत चीज है, एनटीए को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी यार आप लोग को मैंने बता दिया, डिलेमा में नहीं रहना है, फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट करो, 25 मार्च सिलेबस कंप्लीट करो, खुश रहो यार। चलो इसी नोट पे खत्म करते हैं, दिस इज प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी ग्रुप से साइनिंग ऑफ।